बच गया। आप लोग भी अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना चाहते हो, और भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट करते हो, तो फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई मैं अपनी वीडियो को कैसे एडिट करता हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैं अपनी वीडियो को कैसे एडिट करता हूँ। और भाई आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, अगर आप उस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो भाई आप अपनी वीडियो को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो मैं हूँ सूरज मौर्य, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपनी वीडियो को मोबाइल से ही एडिट करता हूँ, और रही बात ऐप की तो मैं काइनमास्टर ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा प्लस का आइकन, तो सिंपली से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 16:9 का। तो सिंपली से अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको 16:9 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से अपनी वीडियो को ले लेता हूँ, एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को ले लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फिलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फिल्टर का यूज करता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से हम जाएंगे कलर फिल्टर में, एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा विव आइड का। तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फिल्टर ऐड हो चुका है, और यह फिल्टर हमारी पूरी वीडियो में ऐड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी बेकार पार्ट है उसे आपको यहाँ पर कट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आपको एक कैंची का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो को लेफ्ट साइड का कट करना चाहते हो तो सिंपली से यहाँ पर आपको टर्म ऑफ लेफ्ट साइड कर देना है। अगर आप राइट साइड की काटना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टर्म ऑफ राइट के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप अपनी वीडियो को बीच से कट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, दिन आपकी वीडियो कट जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को लेफ्ट साइड की कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा टर्म ऑफ लेफ्ट साइड, एंड यहाँ पर हमारी वीडियो कट हो चुकी है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, एंड जैसे कि यहाँ पर से मैंने बोलना बंद किया है तो यहाँ से मैं फिर से कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो बीच से कट हो चुकी है, और अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने कट कर लिया, और यहाँ पर मेरे को और कट मारना है, और इस साइड की मेरी वीडियो लेफ्ट साइड की मेरे को पूरी वीडियो कट करना है। तो यहाँ से मैं कट के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से टर्म ऑफ लेफ्ट साइड की कट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी बीच की जो वीडियो थी बेकार, वो यहाँ पर कट हो चुकी है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में कट कर लेना है जो भी आपका बेकार पार्ट है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे कि एकदम से टेक्स्ट आते हैं और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो वो मैं कैसे करता हूँ उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लर का। तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में एक एरो आ जाएगी। तो यहाँ से हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड इसको यहाँ से हम फुल स्क्रीन में कर देंगे। और यहाँ पर आप जब इस ब्लर वाले लेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का। तो सिंपली से आपको सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने ब्लर की सेचुरेशन को घटा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से मैं फिलहाल फुल रखता हूँ, एंड यहाँ से मैं कर दूंगा राइट। और यहाँ पर ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फिर से इसी वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से मैं जाऊँगा टेक्स्ट में, एंड यहाँ पर आप लोग जो भी लिखना चाहते हो उसे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट अपना, एंड इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ए का। तो सिंपली से आपको ए वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो।
फिलहाल मैं इस फाउंड को यूज कर रहा हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मैं इस फाउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा फाउंड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ एंड डन। कुछ इस टाइप से हमारा सब्सक्राइब वाला इफेक्ट आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब टाइप किया है तो यह कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट तो ऐड हो चुका है, तो यहाँ से हमारा यह जो है यह हमारी ज़्यादा वीडियो में है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ तक कुछ रखना चाहता हूँ। एंड यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कट वाले ऑप्शन पर जाके टर्म ऑफ राइट साइज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और अब मैं अपने ब्लर वाले लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगा। यहाँ से कट वाले आइकन पे जाएंगे एंड टर्म ऑफ राइट साइड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था और ब्लर था वो हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ और अब ये मेरी वीडियो में सिर्फ एक सेकंड के लिए आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले करूँगा एंड यहाँ पर अब मेरी वीडियो में सिर्फ एक सेकंड के लिए ये ऐड हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट की जगह कोई PNG का यूज करना चाहते हो तो यहाँ से मैं इस अपने ब्लर वाले आइकन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 डॉट का आइकन दिखेगा, तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम इसकी एक कॉपी कर लेंगे और यहाँ से मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा एंड यहाँ से मैं इसको आगे भी ला सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक PNG का यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं फिर से इसी वाले आइकन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप जो भी PNG को यूज करना चाहते हो उसको यहाँ पर यूज में ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इस PNG को ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक YouTube की PNG को लिया है एंड डन। तो यहाँ पर हमारी YouTube PNG आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लर वाला इफेक्ट है इसके पीछे हमारी YouTube वाली PNG है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से आगे कर देंगे थोड़ा सा एंड अब आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको कट करना है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर ब्लर वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो उसके पहले आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे कर देना है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसके स्टार्टिंग पार्ट पर आ जाओगे। तो सिंपली से अब आपको अपनी YouTube वाली PNG के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से हम जाएंगे कट में एंड यहाँ पर आपको टर्म ऑफ लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट को भी कट कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ से ब्लर वाले को कट करूँगा टर्म ऑफ राइट साइड एंड इसको भी यहाँ से टर्म ऑफ राइट साइड एंड यहाँ से अब आप अपनी यूट्यूब की PNG को छोटा भी बड़ा कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इतना कर दिया हूँ। एंड इसी तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो में टेक्स्ट PNG को यूज कर सकते हो। एंड इतना करने के बाद मैं इसमें यूज करता हूँ एक म्यूजिक को, तो उसके लिए आपको यहाँ पर म्यूजिक वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक टैप वाली म्यूजिक को यूज करना चाहता हूँ, और अगर आप लोग इस म्यूजिक को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अपने म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लस का, तो सिंपली से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में आपकी म्यूजिक ऐड हो चुकी है। तो सिंपली से यहाँ से हम राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी म्यूजिक ऐड हो चुकी है, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी नीचे साइड में। और अब आपको यहाँ पर इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम करना है कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी हल्की हल्की सी म्यूजिक में। तो ये आपको क्या करना है, आपकी जहाँ से PNG स्टार्ट हुई है तो सिंपली से आपको उसी पार्ट पर इस लेयर को करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्रेस करूँगा एंड इसको मैं ठीक अपनी PNG के स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है। तो अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ एंड डन। तो अब जब हमारी सब्सक्राइब वाली टाइपिंग आएगी तो उसके तुरंत ही ये म्यूजिक बजेगी, तो आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे। तो सिंपली से यहाँ से हम म्यूजिक के एक और कॉपी करेंगे, तो सिंपली से आपको अपनी म्यूजिक के ऊपर टाइप करना है एंड यहाँ से 3 डॉट के ऊपर जाके हम इसकी एक कॉपी कर लेंगे और इस म्यूजिक को मैं वहाँ पर यूज करूँगा जहाँ पर मैंने यूट्यूब की PNG को यूज किया है। तो सिंपली से यहाँ मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा जहाँ पर मैंने अपनी यूट्यूब की PNG को ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी ये भी म्यूजिक ऐड हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी वीडियो में आपको म्यूजिक को ऐड कर लेना है एंड इसी तरीके से आप भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। और एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली से आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो कि
कि आपको अपनी वीडियो को कितने MBPS में अपनी गैलरी में सेव करना है। और भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जितने हार्ड में हो सके उतने MBPS में अपनी गैलरी में सेव करो और उतने ही HD में YouTube पर अपलोड करो। और यहाँ पर सेटिंग करने के बाद सिंपली से आपको स्पॉट वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप लोगों का चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैनल सर्च में सबसे ऊपर आएगा।